أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن ترزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. हमने ही ए हबीब आप पर थोड़ा थोड़ा करके कलाम नाजिल किया और अपने रब के हुक्म का इंतज़ार कीजिए और न कहना मानिए उनमें से किसी बदकार या एहसान फरामोश का और याद करते रहा करो अपने रब के नाम को सुबह भी और शाम भी और रात की तन्हाइयों में भी उसको सजदा कीजिए और रात काफ़ी वक्त उसकी तस्बीह किया कीजिए। बेशक ये लोग दुनिया से मोहब्बत करते हैं और पसे पुश्त डाल रखा है उन्होंने बड़े सख्त दिन को। हमने ही इनको पैदा किया है और उनके जोड़ बंद मजबूत किए हैं और जब हम चाहे तो उनके शक्लों को बदल कर रख दें। बेशक ये एक नसीहत है बस जिसका जी चाहे इख्तियार कर ले अपने रब के कुर्ब का रास्ता। और ऐ लोगों तुम कुछ भी नहीं चाह सकते बजुज इसके कि अल्लाह खुद चाहे। बेशक अल्लाह ताला अलीम है हकीम है जिसको चाहता है अपने दामने रहमत में दाखिल कर लेता है और जालिमों के लिए तो उसने तैयार कर रखा है दर्दनाक अज़ाब। ये सूरतुद्दहर की आयात बय्यिनात है जिसमें अल्लाह करीम ने जन्नत के मनाजिर को बयान फरमाया। अल्लाह करीम अपने हबीब के सदके हम सब सुनने वालों को अपने करीम नबी के सदके जन्नत अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अज़वाजिहि ताहिरात उम्महातिल मुमिनीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदीयीन व औलिया उम्मतिही व उलमाए मिल्लतिही अजमाईन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल फातिहि लिमा उग़लिक वल खातिमि लिमा सबक नासिरिल हक़्क़ बिल हक़्क़ والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم। معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ। الکرم اسٹڈی سرکل آن لائن کے ایک اور سلسلے میں درس حدیث پاک کے عنوان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ الحمدللہ رمضان المبارک کے ان
पुरसईद लम्हात में ये दुरूस आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं, इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इससे फ़ायदा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, आप जानते हैं कि दीन इस्लाम के अंदर बुनियादी तौर पर चार मसादर शरीयत हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पर कुरान हकीम है, और उसके बाद सुन्नत रसूल पाक और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का दर्जा आता है, और बाद में इजमा और क्यास। ये चार मुत्तफक अलैह मसादर शरीयत हैं जिनसे शरीयत मुस्तंबत और मुस्तखरज होती है, और शरीयत के तमाम अहकाम इन्हीं चार चीज़ों पर बेस करते हैं। इसके अलावा कुछ मुख्तलफ ही मसादर शरीयत भी हैं जिनको उलमाए किराम ने कंसिडर किया है और उनका एतबार किया है, जिसमें इस्तेहसान, इस्तेसहाब, मसालेह मुरसला, शरो मनकबलना और सद्दे ज़राए और उर्फ वगैरह ये आ जाते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर सबसे पहला मसदर शरीयत कुरान है। तमाम तर शरी अहकाम, जब हम मसदर शरीयत कहते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि हमारे तमाम तर शरी अहकाम, चाहे वो नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, ज़कात हो, सदका व खैरात की बात हो, उशर की बात हो, या जितने भी अहकाम शरीयत से मुतालिक हैं, वो सारे के सारे उनकी बुनियाद कुरान है। और फिर कुरान पाक के बाद सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कुरान पाक की आयात की तशरीह के तौर पर और नए शरी अहकाम अता फरमाने के तौर पर कुरान सुन्नत का मर्तबा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, कि जो चीज़ अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाए वो ले लो, और जिससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाए उससे रुक जाओ। और इस तरह की बहुत सी और आयात इस बात पर दलालत करती हैं कि जिस तरह कुरान मसदर शरीयत है, इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, सुन्नत रसूल और अहादीस भी बहुत बड़ा मसदर शरीयत है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अन्फुसिहिम हरजम मिम्मा कदैता व युसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, ए हबीब, हमें आपके रब की कसम कि ये लोग उस वक़्त तक मोमिन नहीं बन सकते जब तक कि ये अपने तमाम जिंदगी के मुआशी, मुआशरती, इक्तिसादी जमी मुआमलात में आपको हकम और आपके फैसले को, कौल फैसल तस्लीम ना कर लें, और सिर्फ तस्लीम ही ना करें बल्कि फिर अपने दिल में भी आपके फैसले का एहतराम रखें, आपके फैसले से मोहब्बत रखें और आपके सामने सरे तस्लीम खम कर दें, फिर इनका ईमान कामिल होगा। आज के इस दौर में फितना इनकार सुन्नत फिर से फल फूल रहा है और अपनी असरात जो है वो मुआशरे के अंदर जाहिर कर रहा है। इनकार सुन्नत से मुराद ये है कि बहुत से ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि हमें कुरान काफी है, और कुरान पाक पर अगर उम्मत जमा हो जाए तो हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। ये अगरचे जाहिरी तौर पे बड़ा जर्क बर्क और खूबसूरत नारा लगता है, लेकिन इस नारे के पसे मंजर में इनकार हदीस का बहुत बड़ा फितना छुपा हुआ है, और ऐसे लोग हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से दूर करने के लिए कोशां होते हैं। इस सिलसिले में मैं एक हदीस पाक हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी खिदमत में पेश करता हूं, जिसको हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने और हजरत इमाम अबू दाऊद ने और इमाम हाकिम ने अपनी अपनी कुतुब अहादीस में सनद सही के साथ हजरत मिकदाम रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यूशकु अन यक़ुद अर्रजुलु मुत्तकिअन अला अरीकतिही युहद्दसु बिहदीसिन मिन हदीसी फयकूलु बैनना व बैनकुम किताबुल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि करीब है, मैं देख रहा हूं अपनी निगाह नबूवत से कि एक ऐसा जमाना आने वाला है कि जब कोई आदमी दीन के नाम पर एक स्कॉलर बनकर, एक दीन का आलिम बनकर अपने किसी तख्त पे, किसी कुर्सी पे टेक लगा के बैठा हुआ होगा, और जब उसके सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस पढ़ी जाएगी और उसे कहा जाएगा कि जनाब आप ये फरमा रहे हैं जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ये है, हुजूर की हदीस ये है, तो वो कहेगा
बैनना व बैनकुम किताबुल्लाह, कि हमारे और तुम्हारे दरमियान फैसला करने वाली चीज वो अल्लाह का कुरान है, वो किताबुल्लाह है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की वो नाजिल करदा आखिरी किताब है, कि जो कुछ उसमें आ गया है वो हमारे लिए काफी है। और फिर वो कहेगा फमा वजदना फीह मिन हलाल इस्तहललनाहु वमा वजदना फीह मिन हराम हर्रमनाहु, हम जो शय कुरान पाक में पाते हैं कि अल्लाह ने इसे हलाल किया उसे हलाल समझते हैं, जिसे कुरान में अल्लाह ने हराम किया उसे हराम समझते हैं, और उसके अलावा हम किसी शय को नहीं मानते। ये पूरा मंजरनामा बयान करने के बाद मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अला खबरदार वइन्नमा हर्रम रसूलुल्लाह मिस्लमा हर्रमल्लाह, बेशक जिस चीज को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलाल करार दें वो उसी तरह ही है कि गोया उसको अल्लाह ने हलाल करार दिया, और जिसको हुजूर हराम करार दें वो उसी तरह ही है जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हराम करार दिया है। बेशक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले में कोई फर्क नहीं है, कोई तफरीक नहीं है, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब नहीं महबूब व मुहिब में कोई मेरा तेरा। तो ये जो दुई पैदा करने वाले हैं हुक्म के एतबार से, इताअत के एतबार से, इत्तिबा के एतबार से, जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की उसने अल्लाह की इत्तिबा और इताअत की। तो ये इस चीज को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसे पाक में वाज़े फरमा दिया था कि ऐसा फिरका जन्म लेगा, ऐसे लोग आएंगे जो दीन के नाम पे गुफ्तगू करते हुए तुम्हें मेरी हदीसों से बरगश्ता करेंगे और कहेंगे कि सिर्फ कुरान काफी है। और हमने देखा कि माजी करीब में गुलाम अहमद परवेज नामी एक जो स्कॉलर और शख्स सामने आए, अगरचे वो बहुत जहीन आदमी थे, बहुत अच्छी किताबें भी वो लिखते थे और उनकी नसर में बड़ी कशिश थी, लेकिन इसके बावजूद जब उन्होंने इनकार सुन्नत किया और सरी तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों का इनकार किया और यही बात कही कि कुरान काफी है, तो फिर अहले हक मैदान में आए, बहुत से लोगों ने उनका रद्द किया, लेकिन सबसे बलीग रद्द उनका हमारे शेख करीम हजरत जियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अजहरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस वक्त किया जब आप मिस्र में जेर तालीम थे। तो आपने 1952 में उनके रद्द में किताब लिखी जिसका नाम सुन्नत खैरुल अनाम है, जो जियाउल कुरान पब्लिकेशन लाहौर से शाया हुई है और अब बहुत सी यूनिवर्सिटियों में बतौर निसाब पढ़ाई जा रही है, लाजवाब किताब है, जिसमें आपने कुरान की आयात की रोशनी में, हुजूर की अहादीस की रोशनी में, अकली दलाइल की रोशनी में इस बात को रोजे रोशन की तरह अयां कर दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को माने बगैर बंदा मुसलमान नहीं हो सकता, सरकार दो आलम की इत्तिबा के बगैर ईमान की चाशनी नसीब नहीं हो सकती, और जब तक इंसान कुरान के साथ साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को ना माने उसे कुरान की भी समझ नहीं आ सकती। तो वो लोग जो कुरान कुरान की रट लगाते हैं और सरकार के फरमान को छोड़ देते हैं तो वो कुरान तक भी नहीं पहुंच सकते, वो सारी जिंदगी भटकते रहते हैं अंधेरों के अंदर और जुलुमात के अंदर जिंदगी गुजार के चले जाते हैं। वही बंदा कामयाब है जो दामन मुस्तफा को पकड़ लेता है, हुजूर के कदमों में हाजिर हो जाता है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसे तैयबा की रोशनी में कुरान को समझने की कोशिश करता है। इसी तरह एक और हदीस हमारे सामने है कि जिसको सही बुखारी और सही मुस्लिम शरीफ में मुत्तफक अलैह तौर पे जिक्र किया गया कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक मजलिस में बैठता था और जो बात सरकार इरशाद फरमाते मैं वो लिख लेता था, और कुछ लोगों ने जब मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात लिखते हुए देखा मेरे कान भरने शुरू कर दिए। कुछ मुनाफिकीन भी उस वक्त सफों में घुसे थे तो वो कहने लगे कि तुम हर बात लिखते हो, व इन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतकल्लमु फिल गदबी व फिर रिदा, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी खुशी में के आलम में गुफ्तगू फरमाते हैं, कभी गजब और जलाल के आलम में होते हैं, हर बात ना लिखा करो बल्कि कुछ बातें चुन चुन के लिखा करो। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर फरमाते हैं कि मैंने जब उन्होंने मुझे ये वहम डाला तो कुछ दिन मैंने लिखना छोड़ दिया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा कि मालाका ला तक्तुब अन्नी, क्या हुआ कि तू अब मेरी हदीस नहीं लिखता, पहले लिखा करता था। तो मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह बाज़ लोगों ने इस तरह मेरे जहन में वहम डाल दिया कि हर बात ना लिखा करो, कभी हुजूर जमाल की कैफियत में है, कभी जलाल की कैफियत में है, तो सारी बातें ना लिखा करो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों की इस बात को सख्त नापसंद फरमा
फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में आ गए और सरकारे दो आलम ने अपनी शहादत की उंगली के साथ अपनी जुबान फैज तर्जुमान की तरफ इशारा किया और फरमाया उक्तुब या अब्दुल्लाह फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला यखरुजु मिन फिया इल्लल हक औ कमा काल। फरमाया ए अब्दुल्लाह लिखा करो मुझे उस जात की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, मेरी इस जुबान से हक निकलता है और हक के अलावा कोई बात नहीं निकलती, मैं जो भी कहता हूं वो हक होता है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से कहता हूं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा। तो इसलिए आज के इस दौर में भी जो लोग हदीस पाक पर नऊज़ु बिल्लाह ओछे हथकंडे इस्तेमाल करते हुए लोगों को तशकीक पैदा करने की कोशिश करते हैं और तरह तरह की जो है वो बातें करते हुए और दलाइल देते हुए ये वहम पैदा करने की कोशिश करते हैं कि नहीं जी हम इस बात को नहीं मानते, हदीस में बहुत सी ज़ईफ़ आ गई हैं, बड़ी मौसूस उसमें शामिल हो गई हैं, लिहाजा हमारे लिए कुरान काफ़ी है। और इस सिलसिले में पहले तो गुलाम अहमद परवेज साहब थे, आज के इस दौर में इनकार सुन्नत की इस पूरी मुहिम की क्यादत जवेद अहमद गामदी साहब जो हैं वो कर रहे हैं, अगरचे बड़े धीमे मिजाज में बोलते हैं, उनके लहजे में बड़ा हुदू है और बात कन्विंस करने के वो माहिर हैं और धीमे से लहजे में बात करके इस यकीन से बोल रहे होते हैं कि सुनने वाला समझता है कि जो कह रहे हैं इनकी बात बड़ी दो टोक है, बल्कि अब तो कुछ लोग जो उनकी मजलिस से टूटे हैं और बहुत लंबा अरसा उनके साथ चलने के बाद अब उन्होंने अपना रास्ता अलग किया है, तो वो भी ये बात वीडियोस पे आके कर रहे हैं कि हम भी जब उन्हें सुनते थे तो यूं यही महसूस करते थे कि इनकी बात में कोई डाउट नहीं हो सकता, कोई शक नहीं हो सकता, इतने यकीन से वो बात करते थे। लेकिन जब हमने छानबीन की और तहकीक की तो पता चला कि बहुत सी बातें इनकी खिलाफे वाकया हैं। और क्यों खिलाफे वाकया ना हो कि बहुत सारे मसाइल में मोहतरम जावेद गामदी साहब इनकार सुन्नत और इनकार हदीस के मुर्तकिब हो चुके हैं और हो रहे हैं। वो बड़ी ही दीदा दलेरी के साथ और बड़े ही धीमे अंदाज में कह जाते हैं कि ये हदीस दुरुस्त नहीं है, इस हदीस को हम नहीं मानते। अब इस पे बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं, मैं सिर्फ दो मिसालें अर्ज कर देता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा में सहाबा किराम को जब आखिर उस जमान के अहदास से आगाह फरमाया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त आने वाला है जब दुनिया बिल्कुल इख्तिताम के करीब होगी और इमाम महदी के जहूर की अलामात शुरू हो जाएंगी, तो उस जमाने से आगाह करते हुए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी जमाने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिनको जिंदा आसमान पर उठा लिया गया और कुरान पाक की आयात इस पर शाहिद हैं, वमा कतलू हो वमा सलबू हो वला किन शुब्बे अलहुम बर रफअहुल्लाहु इलैह, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ना उन्होंने उनको कत्ल किया ना उन्होंने उनको सलीब पे चढ़ाया, बल्कि उनको जो है वो मुतशाबा लग गया और शक में किसी और बंदे को सलीब पे टांग के वो समझते रहे कि शायद ये ईसा है, जबकि अपने नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हमने आसमान पे उठा लिया। अब इस पे उम्मत का अकीदा यही है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पे उठाया गया और आखिरी जमाने में आप दोबारा जलवागर होंगे और शाम में एक जामिया मस्जिद जो है उसके मीनारे से आप जाहिर होंगे और फिर आप मजीद 40 साल यहां गुजारेंगे और उन दिनों के अंदर आप सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सही अहादीस में फरमाया जो सही बुखारी और सही मुस्लिम शरीफ में है कि आप जो है वो सलीब को तोड़ देंगे और ईसाइयों को फिर से हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन की तरफ लेके आएंगे, उनके अकायद को दुरुस्त फरमाएंगे और इस तरह दज्जाल के को कत्ल कर देंगे, उसको नेस्तो नाबूद कर देंगे। लेकिन जावेद गामदी साहब ने बड़ी दीदा दलेरी के साथ इसके ऊपर क्लिप रिकॉर्ड करवाए, गुफ्तगू की और कहा क्योंकि ये अकीदा कुरान के टेक्स्ट में मौजूद नहीं है लिहाजा मैं इसको तस्लीम नहीं करता, मैं इसको नहीं मानता, ये दाखिल कर दिया गया है और ये हदीस दुरुस्त नहीं है। अब ये इस पे बहुत से थीसिस लिखे जा चुके हैं, यहाँ दारुल उलूम मुहम्मदिया गौसिया बेरा शरीफ में खुद हमने दौरा हदीस शरीफ के तलबा से इस पे पूरा एक तहकीकी मकाला लिखवाया है कि कादियानियत परवेजियत और गामदियत में फिक्री मुमासलतें। तो ये तीनों जो तहरीकें हैं कादियान से एक उठी है और एक गुलाम अहमद परवेज साहब की तहरीक है और एक जावेद गामदी साहब की, इन सब के अंदर कदरे मुश्तरक बहरहाल ये मौजूद है कि ये इनकार सुन्नत करते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का इनकार करते हैं, उनको तस्लीम नहीं करते। इसी तरह बहुत सी और अहादीस का उन्होंने इनकार किया जो पर्दे औरत के पर्दे के मामलात में कुछ हदीसें पाक हैं उनका इनकार किया, और इसी तरह उन्होंने जो ये ऑनलाइन नमाज के हवाले से बिल्कुल एक नया मौकफ लेके आए और फिर
जो एक नया मौकफ उन्होंने पेश किया कि 15 साल तक किसी भी बच्चे को इस्लाम पढ़ाने की जरूरत नहीं, बल्कि उसको जनरल नॉलेज और एक जनरल तमाम अदियान की तालीम दी जाए, और जब वो बालिग हो जाए तो फिर खुद वो अपने शऊर और अपने ज़हन के मुताबिक जो जिस दीन को चाहे और इस्लाम को खुद पढ़ के स्टडी करके अगर कबूल करे तो फिर ये दुरुस्त हो सकता है। तो इस तरह की जो बातें उन्होंने की हैं वो सरासर अहादीस पाक के खिलाफ हैं, जहां हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़े तौर पे ये इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लिमू औलादकुम हुब्ब नबीयकुम व हुब्ब तिलावतिल कुरान व हुब्ब अहले बैतिही औ कमा काल। फरमाया जो ही बच्चा पैदा हो के होश संभालना शुरू करे, तुम्हारी गोद में खेल रहा हो, तो अपने बच्चों को कुरान सिखाओ और अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ और अपने नबी की अहले बैत अतहार की मोहब्बत सिखाओ। और अब इस 14वीं 15वीं सदी में कोई बंदा आके कहे नहीं जनाब 15 साल तक आप बच्चे को कोई दीन ना सिखाएं और उसको जनरल जो मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं वो उनको स्कूलों में पढ़ाते रहें, जब वो बालिग होगा तो खुद अपने लिए कोई दीन जो है उसको चूज कर लेगा। तो ये ऐसी बातें हैं जो अहादीस पाक के खिलाफ हैं और इनकार सुन्नत पे मबनी है। लिहाजा आज के इस मुख्तसर दरसे हदीस में मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि हर वो आवाज जो इस दौर में हमें सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर करने का सबब बने और अहादीस पाक से दूर ले जाने का सबब बने, हमने उस आवाज पे कान नहीं धरने, खुद तहकीक करें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक को मुरत्तब करने में सहाबा किराम ने और उसके बाद आइम्मा किराम ने, हजरत इमाम बुखारी ने, हजरत इमाम मालिक ने, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने और दीगर आइम्मा हदीस ने जो कोशिश की है, जो मेहनत की है, जिस इल्मी दयानत का सबूत दिया है और एक एक हदीस की खातिर महीनों का सफर करके जखीरा अहदीस को एक गुलदस्ते की शक्ल में किताबों में जमा किया है और उसके लिए अपनी जिंदगियां वक्फ की हैं, इल्म जरह तादील, इल्म दिरासतुल असानीद, पूरे उलूम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस की तहकीक के लिए उन्होंने वक्फ किए हैं, तो उन तमाम आइम्मा किराम की मेहनत को जो है वो पसे पुश्त डाल देना और उसका इनकार कर देना, ये एक बंदा मोमिन को जेब नहीं देता कि इस तरीके से वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस का इनकार करे। तो लिहाजा हम आज के इस दौर में भी गैर मुतजलजल तौर पर इस बात पे अकीदा रखते हैं कि जिस तरह कुरान एक बंदा मोमिन के लिए जरूरी है, इसी तरह हदीस पाक और सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूरी है, और सुन्नत मुस्तफ़ा और हुज़ूर की अहदीस के बगैर कोई इंसान ज्यादा मुस्तकीम पर नहीं आ सकता, सिरात मुस्तकीम पर गामजन नहीं रह सकता। लिहाजा आइए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस से, हुज़ूर की सीरत से, सरकार की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए, प्यार कीजिए। और इस हदीस पे मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं, मन अहया सुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अजरु मिअतु शहीद। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस बंदे ने उम्मत के अंदर फसाद के दौर में मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की, हुजूर की अहादीस और सुन्नत की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه ابي يأت بصيرا واتوني باهلكم اجمعين فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم। معزز سامعین و ناظرین, گزشتہ دروس میں ہمارے پیش نظر وہ آیات رہیں جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے جلیل القدر انبیاء کو دی جانے والی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا
और उन अख्तियारात का जिक्र किया जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें अता फरमाए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर हुआ और इसी ज़मन में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी जिक्र खैर हुआ। अब हमारे पेश नज़र वो आयात हैं जिनमें रब ताला ने यह बयान फरमाया है कि वो चीज़ें जिनका ताल्लुक अल्लाह के नेक बंदों के साथ हो जाता है उनका मकाम व मर्तबा कितना बुलंद हो जाता है। चुनाचे सूरह यूसुफ में इरशाद होता है, इज़हबू बिकमीसी हाज़ा फ़अल्कूहु अला वजह अबियात बसीरा, कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों से फरमाते हैं ले जाओ मेरा ये पैराहन, पस डालो उसे मेरे बाप के चेहरा पर, वो बीना हो जाएंगे। वातूनी बिअहलिकुम अजमाइन, और जाकर ले आओ मेरे पास अपने सब अहलो अयाल को। वलम्मा फासलातिल ईर, और जब काफिला मिस्र से रवाना हुआ, काला अबूहुम इन्नी लाजिदु रीहा यूसुफा लौला अंतुफन्नदून, तो उधर किनआन में उनके बाप ने फरमाया कि मैं तो यूसुफ की खुशबू सूंघ रहा हूँ अगर तुम मुझे बेवकूफ़ ख्याल न करो। कालू तल्लाह इन्नका लफी दलालिकल कदीम, घर वालों ने कहा बखुदा बाबा जी आप अपनी उसी पुरानी मोहब्बत में मुबतला हैं। फलम्मा अनजा अलबशीर, बस जब आ पहुँचा खुशखबरी सुनाने वाला, अलकाहो अला वजह ही फरतब्दा बसीरा, और उसने डाला वो पैरहन आपके चेहरा पर तो वो फौरन बीना हो गए। आपने फरते मुसर्रत से कहा देखो क्या मैं नहीं कहा करता था। काला अलम अकुल्लकुम इन्नी आलमु मिनल्लाह मा ला तालमून, क्या मैं नहीं कहा करता था तुम्हें कि मैं जानता हूँ अल्लाह ताला के जताने से जो तुम नहीं जानते। इन आयात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने एक जलीलुल कदर पैगंबर की शान और अजमत का जिक्र किया है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपनी वो कमीज अता फरमाई जो आपने ज़ेब-ए-तन कर रखी थी, और वो अपने भाइयों को दी और उनसे कहा कि ये कमीज हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर जाकर डालो तो उनकी बिनाई लौट आएगी। हजूर जालुम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अलअज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है, अलगरज उनमें से एक भाई कमीज लेकर पहले पहुंच गया और हज़रत यूसुफ़ के मिल जाने की खुशखबरी सुनाई, और साथ ही हज़रत यूसुफ़ के इरशाद के मुताबिक उनकी कमीज आपकी आंखों पर रख दी। कमीज के रखने की देर थी कि उसकी बरकत से आपकी खोई हुई बिनाई वापस आ गई। तफसीर मजरी के अल्फाज हैं फ़ादा बसीरम बाद मा काना आमा, कि आप नाबीना हो जाने के बाद दोबारा बीना हो गए। हजूर जालुम्मत रहमतुल्लाही ताला ले लिखते हैं, बाद जाहिर परस्तों को यहाँ बड़ी परेशानी लायक हो जाती है कि कपड़े की कमीज़ का आखिर बिनाई के साथ क्या ताल्लुक। अगर ये बात किसी रवायत या हदीस में होती तो बयक जुम्बश कलम इस हदीस को गलत ज़ईफ़ मौजू वगैरह कहकर जान छुड़ा लेते, लेकिन ये बात तो कुरान ने खुद बयान की है, इसको गलत कहें तो क्यों कर, इसलिए यहाँ तवीलों का सहारा लिया जाता है। फरमाते हैं कि आप नाबीना नहीं हो गए थे बल्कि महज ज़ोफ़े बसर का आर्ज़ा लाहिक हो गया था, यानी मुकम्मल तौर पर बिनाई ख़त्म नहीं हुई थी बल्कि नज़र थोड़ी कमज़ोर हो गई थी। जब फरजंदे दिलबंद की बाज़याबी की खुशखबरी सुनी तो फरते मुसर्रत से खून में जोश पैदा हुआ और बिनाई कभी हो गई, लेकिन वो हजरात फरतद्दा बसीरा, आप फिर भी ना हो गए कि कुरानी कलिमात का तर्जमा क्या करेंगे। सीधी बात है, ये कमीज अगरचे दूसरी कमीज़ों की तरह कपड़े की बनी हुई थी लेकिन इसे अल्लाह ताला के एक मकबूल बंदे यूसुफ के जिस्म के साथ छू जाने का शर्फ हासिल हो गया था, जिस खुदा ने मुख्तलिफ अदविया में
खैरत अंगेज तासीरात रख दी हैं। उस कादर मुतलक की कुदरत से क्या बईद है कि उसने अपने बंदे की इज्जत अफजाई के लिए इसकी कमीज़ को हजरत यकूब के भी ना होने का सबब बना दिया हो। ये वाकया खुद कुरान पाक ने बयान फरमाया है और इससे ये पता चलता है कि हजरत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जिस्म के साथ मस होने वाली कमीज़ में भी रब ताला ने शिफा रखी है। लिहाजा तबर्रुकाते सालहीन की इफादियत का इकरार करना ये कुरान पाक से साबित है। ये महज किसी की अकीदत और मोहब्बत की बात नहीं है बल्कि ये अकीदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान से साबित हो रहा है और एक पैगंबर की कमीज से दूसरे पैगंबर के शिफायाब होने का तज़किरा मिल रहा है। तो वो कादरे मुतलक जिसने हमें तौहीद का पैगाम दिया है अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कि सिर्फ अल्लाह ही इबादत के लायक है, वही हाजत रवा है, वही मुश्किलें आसान फरमाने वाला है, वही बीमारियों से निजात दिलाने वाला है, उसी ने एक बंदे की कमीज में ये शिफा रख दी है, तासीर रख दी है कि वो कमीज जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर आई तो उनको बिनाई नसीब हो गई। कुरान पाक में कई और मुकामात पर भी अल्लाह ताला के नेक बंदों के साथ निस्बत रखने वाली चीज़ों की अहमियत और इफादियत का तज़करा किया गया है। चुनाचे सूरह बकरा में इरशाद होता है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, बना लो इब्राहीम के खड़े होने की जगह को जाए नमाज। वो पत्थर जिस पर खड़े होकर हजरत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने खाना काबा तामीर किया था, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है उस पत्थर को अपनी जाए नमाज बना लो। हजूर ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अलज़री रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस आयत करीमा की तफसीर में लिखते हैं, वो पत्थर जिस पर खड़े होकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबा की तामीर करते रहे उसको मकाम इब्राहीम कहते हैं। अल्लाह ताला को अपने महबूबों की हर अदा और उनसे ताल्लुक रखने वाली हर चीज़ बड़ी प्यारी होती है, यहाँ तक कि वो बेजान हकीर पत्थर जिसे हजरत खलील अलैहिस्सलाम के पाँव से छू जाने का शर्फ हासिल हुआ वो कुदरत की निगाह में इतना अजीज और ज़ीशान है कि उम्मत मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है कि उसे अपनी जाए नमाज बना लें। इसी तरह खालिक कायनात ने सूरह बकरा में ही इरशाद फरमाया इन्नस्सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं, फमन हज्जल बैता अवे अतमरा फला जुनाह अलैहि अन यत्तवफ बिहिमा, पस जो हज करे इस घर का या उमरा करे तो कुछ हर्ज नहीं इसे कि चक्कर लगाए इन दोनों के दरमियान। इस आयत करीमा की तफसीर में ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाहि ताला लिखते हैं शायर जमा है शायरा की, इसका माना अलामत है अहनाफ के नज़दीक सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ना हज उम्रा में वाजिब है। अहनाफ के नज़दीक ये सही करना वाजिब है लेकिन यहाँ पर असलूब बयान से ये पता चल रहा है कि मुसलमानों को ये बताया जा रहा है कि अगर तुम यहाँ पर सही करोगे दौड़ लगाओगे तो कोई हर्ज नहीं है। तो आयत के जाहिर से ये पता चल रहा है कि यहाँ पर वजूब की बात नहीं हो रही बल्कि इजाज़त दी जा रही है। तो हजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाहि ताला अलैह इसकी वजाहत करते हुए लिखते हैं और इस ताबीर की वजह यह है कि ज़माना जाहिलियत में सफ़ा पर असाफ और मरवा पर नायला के बुत नसब थे, इस्लाम लाने के बाद मुसलमानों को इस जगह सही करना नागवार गुजरा जहाँ पहले बुत रखे हुए थे। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हें तो हजरत हाजरा की पैरवी में दौड़ना है, तुम्हें मुनासिब नहीं कि तुम बुतों की वजह से इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा मुकर्रमा की सुन्नत को तर्क कर दो। तो चूँकि इन पहाड़ों पर ज़माने जाहिलियत में बुत नसब थे, सफ़ा पर असाफ़ नामी बुत था और मरवा पर नायला नामी बुत था और वो मुसलमान जिन्होंने कलमा तौहीद सरकारे तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ा था और उनके दिल में तौहीद पर ईमान इस कदर पुख्ता था कि वो पहाड़ियाँ के जिन पर ज़माने जाहिलियत में बुत नसब थे किसी मुसलमान ने ये गवारा ना किया
कि उन पर जाकर अपसाई की जाए, लेकिन खालिके कायनात ने अपनी एक बरगुजीदा बंदी की अजमत और शान को वादे कर दिया और मुसलमानों को ये मुतनब्बे कर दिया कि तुमने उन बुतों को नहीं देखना, तुमने मेरे पैगंबर की वालदा को देखना है। इन पहाड़ियों पर उनके कदम लगे हैं और उन्होंने यहाँ पर सई की है, वो इन पहाड़ियों के दरमियान दौड़ी हैं और उनकी ये अदा रब ताला को इतनी पसंद आई है कि उसने क़यामत तक इस सुन्नत को ज़िंदा रखने का अहतमाम फरमाया और अपने आखिरी नबी अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को हुक्म दिया कि तुम यहाँ पर सई किया करो ताकि उस अजीम शान बंदी की इस सुन्नत को ज़िंदा रखा जाए। तो वो पहाड़ियाँ जिनको ये शर्फ हासिल हुआ कि उन पर हजरत हाजरा के कदम मुबारक लगे, रब ताला के नज़दीक उनकी इतनी अजमत और शान है कि रब ताला ने उन्हें अपनी निशानियाँ करार दिया है और साथ ही साथ इस सुन्नत को भी क़यामत तक ज़िंदा रखा। इन आयाते बय्यिनात से ये पता चलता है कि वो चीज़ें जिनकी निस्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन के नेक बंदों के साथ हो जाती है, रब ताला उन्हें वो अजमत और शरफ अता फरमाता है कि देखने वाले और सुनने वाले भी हैरान रह जाते हैं। हाँ, वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक के साथ छूने वाली मुकद्दस कमीस मुबारक हो, रब ताला उसमें भी शिफा पैदा कर देता है और उसे बाइस शिफा बना देता है। हाँ, वो पत्थर हो जिसको ये शर्फ हासिल हो कि वो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के कदमों के साथ मस हुआ है, रब ताला उसे मकाम इब्राहिम करार देता है और अहले इस्लाम को हुक्म देता है कि वहां जाकर नमाज अदा करो, उस पत्थर को जाए नमाज बना लो। हाँ, वो पहाड़ियां हों जिन पर हजरत हाजरा के कदम लगे हों, उन कदमों की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन इन पहाड़ियों को भी अजमत और शान अता फरमा देता है और हजरत हाजरा की सुन्नत को क़यामत तक के लिए जिंदा कर देता है। तो इन आयात बय्यिनात से पता चला कि वो चीज़ें जो अल्लाह के नेक बंदों के साथ निस्बत रखती हैं, मुतबर्रिक हो जाती हैं, वो तबर्रुकात में शामिल होती हैं और उनकी इफादियत, उनकी अजमत, उनके मकाम व मर्तबे पर ईमान रखना ये खिलाफ इस्लाम नहीं है, ये शिर्क नहीं है, ये तौहीद के मुनाफी नहीं है, बल्कि वो खुदा जिसने हमें ये हुक्म दिया है कि सिर्फ वही इबादत के लायक है, उसी ने इन चीज़ों की ये अजमत बयान फरमाई है। लिहाजा इन चीज़ों की इफादियत पर ईमान रखना ये कुरान पाक से साबित है और इनके मकाम व मर्तबा को, अजमत व शान को तस्लीम करना ये तौहीद के मुनाफी नहीं बल्कि ऐन इस्लाम है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफा, खुसूसन सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदनिल मुस्तफा व अला आलिहिल मुज्तबा व असहाबिहित तुका वन्नुका। अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व बश्शिरिस साबिरीन। सदकल्लाहु मौलाना लज़ीम। وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واصبر على ما أصابك صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم। नाज़रीन मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक की मुकद्दस और नूर बदामा घड़ियाँ गुज़र रही हैं। ये वो महीना है जिस महीने के बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शहर रमदान शहरुल मवासात वस्सब्र वस्सब्र निस्फुल ईमान, के रमज़ानुल मुकद्दस का महीना ये गमगुसारी का महीना है, सब्र का महीना है और सब्र निस्फ ईमान है। सब्र के माना है अल्लाह ताला के अहकामात के सामने डट जाना, साबित कदम रहना, खिलाफ तबा चीज़ों को बर्दाश्त करना। अल्लाह ने सब्र करने वालों को
जो इनाम अता फरमाया है उसके बारे में इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे हबीब वबशरिस साबिरीन अहले ईमान को खुशखबरी सुना दीजिए जन्नत की और अल्लाह की रज़ा की। दूसरे मकाम पर फरमाया वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन खल्लाके आलम सब्र करने वालों को पसंद फरमाता है। एक और मौके पर इरशाद फरमाया इन्नल्लाह मा साबिरीन खल्लाके आलम सब्र करने वालों के साथ है। हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अजबन ले अम्रिल मुमिन बंदे मोमिन की किस्मत के ऊपर भी नाज है ताज्जुब है खल्लाके आलम ने बंदे मोमिन के नसीब में कितनी खैर कितना भला और कितना एहसान रखा है। हुजूर ने फरमाया इन असाबत हो सर्रा शकरा व इन असाबत हो दर्रा सबरा फ़ज़ालिक खैरुल्लहु औ कमा क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बंदे मोमिन को अगर कोई खुशी मिलती है खुशहाली मिलती है नेमत मिलती है तो वो उस नेमत के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता है, ये भी उसके हक में बेहतर है। और अगर उसको कोई आजमाइश पहुँचती है कोई तकलीफ़ मिलती है कोई परेशानी आती है तो उस परेशानी के ऊपर वावेला नहीं करता शोर नहीं करता शिकवा और शिकायत नहीं करता सब्र करता है फ़ज़ालिक खैरुल्लहु ये भी उसके लिए बेहतर है। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मौका पर अपने अनसार साहबा के पास तशरीफ़ ले गए और हुज़ूर ने अपने अनसार साहबा से पूछा कि तुम ईमान वाले हो। साहबा कराम डर गए खामोश हो गए किसी ने कोई जवाब न दिया। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने हुज़ूर की बारगाह में खड़े हुए अर्ज़ की या रसूल अल्लाह नहनु मुमिनून हम ईमान वाले हैं। हुज़ूर ने पूछा कि तुम्हारे ईमान की दलील क्या है तो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने बारगाह मुस्तफ़ा में अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु नश्कुरु अलस सर्रा व नस्बिरु अलद दर्रा व नरदा अलल क़दा या रसूल अल्लाह हम अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्र अदा करते हैं और उसकी तरफ से नाजिल होने वाली आजमाइशों के ऊपर सब्र करते हैं और उसकी लिखी गई तकदीर के ऊपर हमेशा राज़ी रहते हैं और दिलो जहाँ से उसकी तकदीर को तस्लीम करते हैं। हुजूर ने फरमाया व रब्बिल काबते अंतुम मुमिनून रब्बे काबा की कसम है तुम ईमान वाले। और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मजीद इरशाद फरमाया कि सब्र को जो मकाम हासिल है आमाल व अफाल के अंदर वो वही है जो जिस्म इंसानी के अंदर सर को हासिल है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सब्र करने वालों को अल्लाह करीम क़यामत के दिन इनामात अता फरमाएगा तो वो लोग जिनको कोई तकलीफ नहीं पहुंची, जिनको राहत ही राहत मिलती है सुकून ही सुकून दुनिया में मिला और कोई तकलीफ़ नहीं पहुंची, सब्र का मौका नहीं मिला, वो बारगाहे खुदा में अर्ज़ करेंगे काश के दुनिया की ज़िंदगी में हमारे जिस्मों को कैंचियों से काटा जाता और हम उस पर सब्र करते और हमें ये अजर मिलता। तो ये सब्र करने वालों का मकाम है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है हुजूर ने फरमाया अत्तहूर शत्रुल ईमान अत्तहूर शत्रुल ईमान। हुजूर ने फरमाया कि सफाई ईमान का हिस्सा है वल्हम्दुलिल्लाह तमलाउल मीज़ान और ये जो मुकद्दस कलमा है जो कलमा तशक्कुर है जिसकी अदायगी बड़ी आसान है इसके अल्फाज बड़े मुख्तसर हैं और वक्त बड़ा थोड़ा लगता है ये बज़ाहिर इंसान की नज़र में छोटा सा जुमला है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तमलाउल मीज़ान बंदा जब शुक्र के साथ और शुक्र के जज्बात से मामूर होकर ये कलमा अदा करता है तो ये कलमा मीज़ान अदल को भर देता है। व सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह तमलआन औ तमलअ अस्समावात वल अर्द फरमाया कि सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह ये दो कलिमात वो हैं जो सब्र के साथ शुक्र के साथ बंदा अपनी ज़ुबान से अदा करता है तो ये ज़मीन व आसमान की दरमियानी फ़ज़ा को अल्लाह की रहमत से भर देते हैं या ये ज़मीन व आसमान को अल्लाह की रहमत और बरकत से भर देते हैं। और फिर फरमाया वस्सलातु नूरुन वस्सदक़तु बुरहानुन वस्सब्रु दियाउन वल्कुरआनु हुज्जतुन लका औ अलैका औ कमा क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर ने फरमाया कि नमाज नूर है सदका बुरहान और दलील है सब्र दिया है और ये सब्र वो है कि जो क़यामत के दिन अपने करने वाले को यानी साबिर को वो नेमत अता फरमाएगा
कि जो उसके वहमो गुमा में भी नहीं होगा। किसी दाना का कौल है कि सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न तो किसी की नज़रों में गिरने देती है और न किसी के कदमों में गिरने देती है। इन्नमा युवफ़ साबिरूना अजरहुम बग़ैर हिसाब, क़यामत के दिन सब्र करने वालों को अल्लाह जब अजर अता फरमाएगा तो वो बग़ैर हिसाब अता फरमाएगा। तो वो बंदा जो नेमत के ऊपर शुक्र अदा करता है, तकलीफ़ के ऊपर, परेशानी के ऊपर सब्र करता है, तो वो अल्लाह करीम का महबूब बंदा होता है। सुल्तान महमूद गज़नवी ने एक मौके पर अपने दरबार में मौजूद लोगों में सेब तकसीम किए और उसका ख़ास खादिम अयाज जो उसके दाएं हाथ पे बैठा था उसको सेब की बजाय खिंजल तुम्बा दिया। लोग सारे सेब खाने में मशगूल हो गए और सुल्तान का खलीफा और खादिम अयाज वो तुम्बा खाने लगा। बाद में जब महफिल बर्खास्त हुई, सुल्तान महमूद गज़नवी ने अपने इस खादिम से पूछा कि मैंने तुम्हें सेब नहीं दिया था बल्कि तुम्बा दिया था, और तुम्बा तो इतना कड़वा होता है कि अगर ये पाँव के नीचे आ जाए तो इसकी तलखी और कड़वाहट हल्क में महसूस होती है, और तुम बड़े मज़े ले लेके उसको खा रहे थे। तो उस वक्त अयाज ने कहा कि बादशाह सलामत, तेरे इतने इकराम हैं, तेरी इतनी मेरे ऊपर नेमतें हैं, तूने इतनी जूदो सखा मेरे ऊपर किए हैं, हर वक्त तेरी रहमत का, तेरी नेमतों का दस्तरखान मेरे सामने बिछा रहता है, अगर एक मौके पर आज एक दिन तूने मुझे कड़वी चीज़ दी है जो खिलाफ तबा है तो मैं उस पर नाशुक्री करूँ? मैं नाशुक्री नहीं करूँगा बल्कि मैं सब्र से खा लूँगा। हजरत मोहतरम, हज़ारों इनामात हैं, लाखों नेमतें हैं खल्लाक आलम की हमारे ऊपर, और जो अनगिनत हैं, बेशुमार हैं, लामादूद हैं, और हमारी तवज्जो ही नहीं जाती। तो हम एक नेमत के मफकूद होने पर शिकवा करते हैं, तो असल में जो मकाम शिकवा है वही मकाम शुक्र भी है और मकाम सब्र भी है। कुरान करीम में बार बार सब्र करने वालों को अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की नेमत की खुशखबरी सुनाई, और एक मकाम पर फरमाया कि जब सब्र करने वाले जन्नत में जाएंगे तो फरिश्ते जो उनको सलाम करेंगे वो इस अंदाज में करेंगे, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उकबद्दार, ए ईमान वालों, तुम दुनिया की जिंदगी में तकालीफ के ऊपर सब्र करते थे, अब तुम्हारे ऊपर रहमतें हैं, अल्लाह के फ्यूज़ो बरकात हैं, उसके फजल हैं, जन्नत की हमेशा की रहने वाली बहारें हैं, फनिअम उकबद्दार, कितना ही तुम्हारा अच्छा घर है। और जब सब्र करने वालों को कयामत के दिन अल्लाह करीम अजर अता फरमाएगा तो वो अर्ज़ करेंगे, यार वो लोग अर्ज़ करेंगे कि जिनको दुनिया में कोई तकलीफ़ नहीं पहुंची, हमेशा राहत और आसानी और खुशहाली मिली, वो कहेंगे हाय काश कि दुनिया की ज़िंदगी में हमारे जिस्मों को कैंचियों के साथ काटा जाता और हम उस तकलीफ़ के ऊपर सब्र करते और आज इस अजर और सवाब से महरूम न रहते। ये है सब्र का मकाम। हमारी कभी दांत में रात को तकलीफ़ हो जाए तो हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं, शिकवा करते हैं, परेशानी का इजहार करते हैं, ये शिकवा शिकायत ये नाशुक्री है, और नाशुक्री मालिक को पसंद नहीं है। सब्र और सब्र के ऊपर हुजूर ने फरमाया कि बंदा मोमिन के कोई भी अमल, उसको थकावट हो, उसको बीमारी हो, उसको तकलीफ़ हो, हत्ता के कांटे की चुभन भी हो, इल्ला कफ्फर अल्लाहु बिहा खतियतन, मगर कांटे की चुभन भी बाद में होती है, पहले खल्लाक आलम उसके नामे आमाल में जो गुनाह है उस गुनाह को ख़त्म करता है। तो अजब अल अमर मोमिन, बंदा मोमिन की किस्मत भी कितनी अजीब है, नेकी मिलती है तब भी उसके लिए खैर है, और अगर उसको खुशहाली मिलती है तब भी खैर और राहत है, और अगर कोई आजमाइश मिलती है, तकलीफ़ मिलती है, परेशानी मिलती है, तो वो शिकवा कुना नहीं होता बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करता है। यही अहल ईमान को और अहल इस्लाम को दर्स है कि हमेशा हर हाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र भी करो और परेशानी के ऊपर सब्र भी करो, और उसके नेमतों से और उसकी तरफ से अजर से कभी भी महरूम नहीं रहोगे। अल्लाह करीम हम सब को हकीकी सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرکز علم و عرفان دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرہ شریف سے پروگرام ضیاء شریعت میں آپ کے سوالات کے جوابات کے ساتھ اللہ کے فضل و احسان سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چونکہ اس وقت گندم کی فصل کاشت کرنے کے بعد اس کی کٹائی ہو رہی ہے اور اس کے اگلے مراحل پائے تکمیل تک پہنچ رہے ہیں، تو اس لیے آج کے ہم درس فقہ میں عشر کے چند ضروری مسائل کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ زمین میں کون سی ایسی پیداوار ہے کہ جس میں عشر ہے، اور کون سی ایسی پیداوار ہے کہ جس میں عشر نہیں ہوتا۔ تو اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ زمین میں کوئی بھی چیز پیدا ہوتی ہے یا پیدا کی جاتی ہے، اس میں جو چیز مقصود بالاصل ہوتی ہے، جس سے نفع حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے، نفع اٹھانا مقصود ہوتا ہے، اس چیز میں عشر یا نصف عشر ہوتا ہے، اور جو مقصود بالاصل نہیں ہوتی بلکہ وہ طبعاً حاصل ہوتی ہے یا اس سے نفع مقصود نہیں ہوتا، تو اس میں نہ عشر ہے نہ ہی نصف عشر ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم گندم کاشت کرتے ہیں تو مقصود بالاصل اس کے دانے ہوتے ہیں، گندم ہوتی ہے، اور طبعاً اس سے جو بھوسا حاصل ہوتا ہے وہ مقصود بالاصل نہیں ہوتا، وہ طبعاً حاصل ہوتا ہے۔ تو گندم کے دانوں پر تو عشر ہوگا یا نصف عشر ہوگا، لیکن طبعاً حاصل ہونے والے بھوسے پر نہ عشر ہے نہ ہی نصف عشر ہے۔ اسی طرح کپاس کاشت کی جاتی ہے تو اس سے مقصود بالاصل روئی کا حصول ہے، اور جو اس کے پودے ہیں وہ بھی اگرچہ بطور ایندھن استعمال کر لیے جاتے ہیں لیکن وہ مقصود بالاصل نہیں ہوتے، وہ طبعاً حاصل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے زمین کی پیداوار میں جو چیز نفع کے لیے کاشت کی جاتی ہے، مقصود بالاصل ہوتی ہے، اس کا عشر یا نصف عشر ہوتا ہے، اور جو طبعاً حاصل ہوتی ہے اس کا عشر یا نصف عشر میں وہ چیز شامل نہیں ہوتی۔ اسی طرح وہ گھاس جو خود رو ہوتی ہے، خود رو جھاڑیاں کہ جن کی کوئی حفاظت نہیں کی جاتی، باڑ وغیرہ ڈال کے ان کو محفوظ نہیں کیا جاتا، کوئی بھی ان کو کاٹ سکتا ہے، جانور اس کو کھا سکتے ہیں، تو ان کا بھی عشر یا نصف عشر وغیرہ نہیں ہوتا۔ لیکن جو گھاس خود بخود اگے لیکن اس کو باڑ لگا کے محفوظ کر لیا جائے، کسی کو کاٹنے کی اجازت نہ دی جائے، کسی کو جانور اس میں داخل کرنے کی اجازت نہ دی جائے، اس کو محفوظ کر لیا جائے، تو اس کا بھی عشر ہوگا یا نصف عشر ہوگا۔ اسی طرح جو فصلیں انسان کھاتے ہیں ان کا بھی عشر یا نصف عشر ہے، اور جو چیزیں جانوروں کا چارہ بنتی ہیں، چارے کے طور پہ کاشت کی جاتی ہیں، زمین کونی کے لیے چھوڑا جاتا ہے اور خاص طور پہ ان کو زمین کو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو جانوروں کے چارے کے اوپر بھی اس عشر یا نصف عشر ہوگا۔ تو پھر اس سے یہ چیز واضح ہوئی کہ پیداوار میں جو چیز مقصود بالاصل ہوگی اسی کا عشر یا نصف عشر ہوگا، اور جو طبعاً حاصل ہوگی نہ وہ عشر ہوگا اس کا نہ ہی اس کا کوئی نصف عشر ہوگا۔ ایک اور سوال یہ ہے، بڑا اہم سوال ہے، کہ کیا عشر میں قرض کو منحا کیا جائے گا یا نہیں؟ بڑا اہم سوال ہے، قابل غور بھی ہے۔ جب ہم زکوٰۃ کا نصاب نکالتے ہیں یا فطرانے کا نصاب نکالتے ہیں تو اس میں کل نصاب میں سے اگر قرض ہو تو اس کو منحا کیا جاتا ہے، اور قرض کی ادائیگی کے بعد جو مال بچتا ہے اگر وہ نصاب تک پہنچتا ہو تو اس کی زکوٰۃ یا فطرانہ ادا کیا جائے گا، لیکن عشر میں قرض کو منحا نہیں کیا جاتا۔ اور فصل کاشت کرنے والے پر کتنا ہی قرض کیوں نہ ہو، خواہ اس نے قرض لے کر ہی وہ فصل کاشت کی ہو اور اس میں پانی یا کھاد لگایا ہو، پھر بھی کل پیداوار کا دسواں یا بیسواں حصہ عشر ادا کرنا ہوگا۔ تو عشر میں سے قرض کو منحا نہیں کیا جاتا، بلکہ کل پیداوار کا عشر یا نصف عشر دیے جاتا ہے،
कर्ज सिर्फ जक़ात और फितराने के निसाब में ही मिनहा किया जाता है। एक और बड़ा अहम सवाल है कि किस पैदावार पर उशर होगा और किस पैदावार पर निसफ उशर होगा, यानी किस फसल का दसवां हिस्सा और किस फसल का बीसवां हिस्सा उशर अदा किया जाएगा। तो याद रखें कि जो फसल सैलाबी पानी से या नहरी पानी से या बारिश के पानी से सराब की जाती है, जिसमें काश्त करने वाले का कोई अपना खर्चा नहीं होता, उस फसल में उशर होता है, यानी कुल पैदावार का दसवां हिस्सा 10% जो है वो उशर निकाला जाएगा और गुरबा मसाकिन को दिया जाएगा। और जिस पैदावार का पानी खरीद कर लगाया गया हो, बिजली या पेट्रोल या डीजल खर्च करके इस्तेमाल वो फसल सराब की गई हो, तो उसमें चूंकि अपना खर्चा होता है, तो इसलिए उस पैदावार का 20वां हिस्सा निसफ उशर यानी 5% वो अदा किया जाएगा। तो जिस पैदावार में अपना खर्चा भी हो तो उसका 20वां हिस्सा, और जिस पैदावार में अपना खर्चा ना हो, सैलाबी पानी, नहरी पानी या बारिश के पानी से सराब हो, उसमें कुल पैदावार का 10वां हिस्सा बतौर उशर अदा किया जाएगा। एक और सवाल है, यह बहुत दफा पूछा जाता है कि ठेका पर दी गई जमीन का उशर हो किस पर होगा। तो ये हमारे यहां तरीका इस्तेमाल किया जाता है कि जो जमीन का मालिक खुद जमीन काश्त नहीं कर सकता, वो ठेके पर जमीन देता है, या जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती और वो खेती बाड़ी के शौकीन होते हैं तो वो दूसरों से जमीन ठेके पर लेकर फसल काश्त करते हैं। तो फिर ये सवाल किया जाता है कि उस फसल का उशर जमीन का मालिक देगा या काश्तकार देगा। याद रखें कि उशर का ताल्लुक जमीन के साथ नहीं है, बल्कि उशर का ताल्लुक पैदावार के साथ है, और उशर का ताल्लुक जमीन की मलकियत के साथ नहीं है, उशर का ताल्लुक पैदावार की मलकियत के साथ है। लिहाजा उशर जमीन का मालिक अदा नहीं करेगा, बल्कि उशर पैदावार का मालिक अदा करेगा। जो भी पैदावार का मालिक है, उशर उस पे है, जमीन के मालिक पर उशर या निसफ उशर नहीं होगा। तो इसलिए अगर जमीन ठेके पर ली है तो काश्त जिसने भी की है, जो फसल का मालिक होगा, उशर उसी को पर होगा और वही उशर अदा करेगा, जमीन का मालिक उशर नहीं देगा। तो ये एक चीज वाजे हुई कि उशर का ताल्लुक जमीन की मलकियत के साथ नहीं है, उशर का ताल्लुक पैदावार की मलकियत के साथ है। जो पैदावार का मालिक होगा, उशर उसी पर होगा और वही उशर अदा करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि वह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे लिए और अपने लिए हर लम्हा दुआ करते रहा करें कि अल्लाह ताला हमें दीन पर इस्तिकामत अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।